हेलो बच्चों, आज के अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इट्स फार्मूला, यूनिट एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, तो ये तमाम सारी बातें करते हैं आपसे मिल करके यहाँ पर हम। तो हेलो गाइज, माई सेल्फ भूपेंद्र यादव, वेलकम यू ऑल इन योर लवली चैनल प्ले विथ फिजिक्स। तो लेट्स स्टार्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ध्यान देना है। इसलिए कोई कंडक्टर है ना, ये कोई कंडक्टर है, तो व्हाट हैपेंस, जब भी कंडक्टर से होकर के चार्ज फ्लो करता है तो ये कंडक्टर खुद ही क्या करता है, उस करेंट फ्लो के पाथ में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि रुकावट पैदा करता है। क्लियर है? जिसे ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कह लेते हैं। मींस हम लिख सकते हैं द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाई अ कंडक्टर इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through it is called resistance। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, resistance कहलाता है। इसे हम capital R से represent करते हैं। कुल मिलाकर के आपको ये theoretical definition है कि किसी भी conductor से होकर जब charge flow करता है तो उसके path में वो as a रुकावट काम करता है, तो उस offered रुकावट को ही हम क्या कहते हैं, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। गॉट माय पॉइंट? रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस वाज अ थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लेट्स सी इट्स मैथमेटिकल अप्रोच। तो ध्यान देना बच्चों, ये जो कैपिटल आर है ना, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। तो ध्यान देना है, पहला बात क्या होती है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर की। मीन्स इस कंडक्टर की लेंथ, ये जो एल है, ये जैसे जैसे इंक्रीज करती है ना, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। एंड सेकेंड वन, सेकेंड पॉइंट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों ये होता है, क्लियर है? क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस कंडक्टिंग वायर जितना थिक होगा, मोटा होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। गॉट माय पॉइंट? दोनों को एक साथ हम कंबाइन करते हैं बच्चों, तो देखो क्या मिल जाता है, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और जब बच्चों प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, यू नो इक्वलिटी साइन आता है विद अ कांस्टेंट, तो वी गेट आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो दिस इज द फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। गॉट माय पॉइंट? ये आ जाता है, और इसकी यूनिट होती है बच्चों ओम। क्या होती है? ओम, ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम ओम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर ये जो रो आया ना बेटा, रो, रो या प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एंड इज नोन एज, इसे हम कह लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है बच्चों? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसी का नाम होता है रेजिस्टिविटी। क्या नाम होता है बच्चों? रेजिस्टिविटी। क्लियर है? अब अगर हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहें तो देखो हम यहाँ से क्या फार्मूला बना सकते हैं। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर ए अपान क्या आ गया, एल आ गया। गॉट माई पॉइंट? इसकी यूनिट की अगर हम बात करें बच्चे लोग, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या पढ़ा आपने, ओम। एरिया की यूनिट आप सब जानते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं मीटर स्क्वायर। अपन लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर ने मीटर को काट दिया तो क्या आ गया बच्चों, ओम मीटर। यानी कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। और याद रहे बच्चों, ये जो रेजिस्टिविटी है ना, दिस इज मटीरियल डिपेंडेंट क्वान्टिटी। ये क्या कह रहे बच्चों, ये मटीरियल डिपेंडेंट है। इस पर डिपेंड करता है मटेरियल पर, यानी कि वायर का मटेरियल जब तक नहीं बदलेगा तब तक रो की वैल्यू नहीं चेंज होती है, भले ही यू आर गोइंग टू टेक अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। गॉट माय पॉइंट? तो ध्यान देना है, समझ आया नहीं आया बोलो, ठीक है? ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहां पर देखो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर और एरिया क्रॉस सेक्शन पर। तो ध्यान देना है,
यहाँ पर अगर कंडीशन लगा दी जाए इफ एरिया रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि अगर क्रॉस सेक्शन ना बदले, सिर्फ ये लेंथ बढ़ाते जाएं या घटाते जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? तो ध्यान देना है, ओनली लेंथ इज चेंज्ड, ये बार लेंथ अगर चेंज किया जा रहा है तो ऐसे में फार्मूला लग जाता है आर वन अपान आर टू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एल वन अपान एल टू। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल होता है। क्लियर है बच्चों? लेकिन ये फार्मूला ध्यान रहे तभी अप्लाई करोगे जब वायर की एरिया में कोई परिवर्तन ना किया गया हो, सिर्फ लेंथ चेंज किया जा रहा हो, तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। गॉट माई पॉइंट? समझ आ गया बच्चों? क्लियर है? जैसे आपने देखा होगा जब आप मार्केट में जाते हो वायर परचेज करने, तो उसके पास ऐसे रोल रखा होता है। क्लियर है? ये बड़ा सा रोल होता है, तो आप जाओगे कहोगे हमें 2 मीटर तार चाहिए, वो क्या करता है इसको अनरोल करके ऐसे खींच करके आपको 2 मीटर लंबा तार दे देता है। तो इसमें देखो आप एरिया सब जगह क्या हो रही है, सेम हो रही है, यानी कि इसका सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। गॉट माई पॉइंट? सभी को समझ आ गया बच्चों? तो ये तो रहा पहली डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस की। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। बच्चों ध्यान देना है, इफ अ वायर इज स्ट्रेस्ड, अगर बच्चों वायर को स्ट्रेस किया जाए, ठीक है, स्ट्रेच करने का मतलब पहले वायर मान लो ऐसा था, क्लियर है, ये था वायर पहले, अब इसको खींच दिया गया, इसकी लेंथ को थोड़ी बढ़ा दी गई, तो बढ़ा दिया गया तो इसकी एरिया पहले से थोड़ी कम हो गई, समझ गए ना, मतलब इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में लाया गया। तो आप क्या पाते हैं, पहले लेंथ अगर एल थी और एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ए था, तो अब लेंथ क्या हो गई बच्चों, एल डैश हो गई और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गई, ए डैश हो गई। मतलब लेंथ भी चेंज हुआ, एरिया भी चेंज हुई। लेकिन याद रहे जब ऐसे खींचोगे ना तो आप देखोगे लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन एरिया क्या हो जाती है, घट जाती है। व्हाट माय पॉइंट? तो ऐसे में इसका शेप तो बदल जाता है लेकिन वन थिंग स्टिल रिमेन्स सेम, दैट इज वॉल्यूम, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। तो बच्चों ध्यान देंगे, इन दिस केस वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वी फॉर वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों? तो आइए ध्यान देते हैं, यानी कि पहले का जो वॉल्यूम होगा अभी वो बाद के वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इक्वल टू फाइनल एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें बच्चों तो एल अपान एल डैश इक्वल टू आ जाएगा ए डैश अपान ए। गॉट माई पॉइंट? ध्यान देना है, इसी को अगर हम यहाँ पर लिख लें कि अगर मान लेते पहले लेंथ एल वन थी, एरिया क्रॉस सेक्शन ए वन था, बाद में लेंथ L2 हो गई, एरिया क्रॉस सेक्शन A2 हो गई, तो इस फार्मूले को हम ऐसे लिख पाएंगे बच्चों L1 अपान L2 इक्वल टू A2 अपान A1। दोनों बातें सेम लिख रखी है मैंने, तो R लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात? समझ आया ना बाबू लोग? क्लियर है? तो ये चीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब सेंस मटीरियल सेम है, मतलब इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है, इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है, तो ऐसे कंडीशन में R1 क्या होगा, पहले रेजिस्टेंस अगर R1 रहा हो और बाद में इसका रेजिस्टेंस अगर R2 हो जाता है, तो कैसे करेंगे, R1 इक्वल टू हो जाएगा रो L1 अपान A1, लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट, और R2 क्या हो जाएगा बच्चा लोग रो L2 अपान A2, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू। हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, देखो तो क्या मिलेगा, आर वन अपान आर टू इक्वल टू रो एल वन अपान ए वन, इसको क्रॉस कर दें तो अपोजिट हो जाएगा ए टू अपान रो एल टू, रो से रो को काट दिया, तो देखो बच्चों क्या मिला आपके पास, आर वन अपान आर टू इक्वल टू एल वन अपान एल टू, और इंटू में मिल रहा है बच्चों ए टू अपान ए वन। तो ये आ गया हमारे पास एक रिलेशन, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर थर्ड। गॉट माई पॉइंट? और इसको हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर स्मॉल ए। कोई दिक्कत है? क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब कभी कभी बच्चों क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि अ वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक इट्स लेंथ डबल, या कहेगा वायर इज स्ट्रेस्ड अंटिल इट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे पता चलेगा कि वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है। क्लियर है? तो जब वायर को स्ट्रेच किया जाएगा तो क्वेश्चन में या तो लेंथ की बात करेगा
या तो एरिया की बात करेगा या दोनों की बात करेगा। जब दोनों की बात करेगा तब तो इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस का ये रिलेशन मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ लेंथ की बात करे तो एरिया को यहाँ से हटाना होगा, और सिर्फ एरिया की बात करे तो लेंथ को यहाँ से हटाना होगा। तो मान लेते हैं हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर वन अपान आर टू इक्वल टू एल वन अपान एल टू टाइम्स ए टू अपान ए वन को देखो रिप्लेस कर सकते हो किससे, एल वन अपान एल टू से। तो सेम चीज दो बार आ रहा बच्चों, तो ये हो जाएगा आर वन अपान आर टू इक्वल टू एल वन अपान एल टू का होल स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट? तो ये फार्मूला बन जाएगा, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर फोर। क्लियर है? और अगर सिर्फ एरिया की बात करें, लेंथ की बात ना करें, तो ऐसी सिचुएशन में हम इक्वेशन थर्ड में हम लेंथ को गायब करेंगे, तो यहाँ से रिजल्ट बन जाएगा आर वन अपान आर टू इक्वल टू एल वन अपान एल टू को क्या लिख सकते हो, ए टू अपान ए वन, और पहले से था ए टू अपान ए वन, तो क्या आ गया बाबू लोग, आर वन अपान आर टू इक्वल टू ए टू अपान ए वन का होल स्क्वायर। बोलो चमका कि नहीं चमका? लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर फाइव। गॉट माई पॉइंट? अब ध्यान देना है, बट कभी कभी एरिया क्रॉस सेक्शन डायरेक्ट नहीं देगा, रेडियस देगा, डायमीटर देगा। तो एरिया का फार्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर के टर्म में हो जाता है पाई डी स्क्वायर बाई फोर, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये फार्मूला बन जाएगा आर वन अपान आर टू इक्वल टू ए टू का मतलब पाई आर टू स्क्वायर अपान पाई आर वन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों आर टू अपान आर वन की होल पावर, देखो यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर, तो होल पावर फोर आ जाएगा, या फिर डी टू अपान डी वन की भी होल पावर फोर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये रिलेशन लगेगा जब रेडियस दिया हो या डायमीटर दिया हो। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर सिक्स। गॉट माई पॉइंट? तो बच्चों यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेजिस्टेंस के वायर के लेंथ में चेंज पर बेस, या फिर स्ट्रेचिंग करने पर। जब एरिया ना चेंज हो रही हो, सिर्फ लेंथ में बदलाव हो रहा हो, तो हम सीधा फार्मूला लगाएंगे दिस वन आर वन अपान आर टू इक्वल टू एल वन अपान एल टू। लेकिन जब स्ट्रेच करके आ रहा हो, सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हो, तो ये फार्मूला लगाओगे आर वन अपान आर टू इक्वल टू एल वन अपान एल टू का होल स्क्वायर। और अगर सिर्फ डायमीटर की बात करें, रेडियस की बात करें, तो ये फार्मूला लगा दोगे। सिर्फ एरिया क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये फार्मूला लगा दोगे। व्हाट माय पॉइंट? समझ आया इतना बच्चों? ओके, तो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके आगे हम बात करते हैं बच्चों, एक आध इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं इस पर बेस, फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो लेट्स सी, अब हम बात करेंगे बच्चों कि ये जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है, ये तो आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस बदल सकता है लेंथ बदलने से, एरिया बदलने से, लेकिन रेजिस्टिविटी वही रहती है, चूंकि ये मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और तब तक नहीं बदलता है जब तक कि हम मटेरियल में बदलाव नहीं करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो अलग अलग लेंथ के अलग अलग क्रॉस सेक्शन के वायर हैं सेम मटेरियल के, तो उनकी रेजिस्टिविटी का रेशियो बताओ। तो आप सभी बता सकते हैं उनकी रेजिस्टिविटी का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 1:1 हो जाएगा। चूंकि मटेरियल सेम, तो रेजिस्टिविटी क्या रहती है, सेम रहती है, भले ही वायर की लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर उसके रेजिस्टेंसेस बदल जाएंगे। व्हाट माय पॉइंट? समझ तो आया ना भाई? ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कह दिया गया कि बिना एरिया चेंज किए हुए किसी वायर की लेंथ को ट्रिपल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बिना एरिया चेंज किए हुए किसी वायर की लेंथ को ट्रिपल कर दिया गया, तो बताओ उसकी नई रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी। तो यहां पर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर वन। इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग इट्स एरिया, क्लियर, देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? इलस्ट्रेशन क्वेश्चन समझ आ गया? कैसे सॉल्व करोगे? हमने बताया था सिंस इफ एरिया रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देन आई हैड टोल्ड यू ऑल
आर वन अपान आर टू इक्वल टू होता है एल वन अपान एल टू बिकॉज आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एल। गॉट माय पॉइंट। तो ऐसे में आर वन अपान आर टू इक्वल टू एल वन की वैल्यू एल है और एल टू क्या कर दिया गया डबल कर दिया गया यानी कि टू एल हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एल वन क्या था एल था और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल टू क्या हो गया बच्चों टू एल हो गया। एल ने एल को काट दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो आर टू क्या आ गया ट्वाइस ऑफ आर वन आ गया यानी कि अब रेजिस्टेंस क्या हो गया डबल हो गया। समझ आया बच्चा लोग? समझ गए ना? क्लियर है? अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर टू। क्लियर है बच्चों? इफ अ वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक इट्स लेंथ ट्रिपल व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बच्चों? तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। मैंने भी बताया था कि जब भी हम स्ट्रेच करते हैं वायर को तो भले ही ये ना बताया जाए उसकी एरिया में क्या फर्क पड़ा लेकिन अल्टीमेटली एरिया ऑल्सो गोज टू चेंज। समझ गए? तो ऐसे में हमने बताया था सिर्फ लेंथ की बात कर रहा है तो सिर्फ लेंथ वाला फॉर्म लगा दोगे। तो यहाँ पर लेंथ L1 हम मान लेते हैं L है लेकिन तब तक खींचा गया जब तक इसकी लेंथ ट्रिपल नहीं हो गई यानी कि L2 becomes 3 times of L। तो हम फॉर्म लगाते हैं सिंस R1 upon R2 equal to बताया था मैंने L1 upon L2 का होल स्क्वायर अगर स्ट्रेच किया जा रहा है और स्ट्रेच नहीं किया जा रहा तो सीधा R1 upon R2 equal to L1 upon L2 होता है। डोंट गेट कंफ्यूज। गॉट माई पॉइंट? तो L1 की जगह क्या रख लेंगे बच्चों L और L2 जी यहाँ पर 3L का होल स्क्वायर। L ने L को काट दिया 1 अपॉन 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो R2 इक्वल टू मिल जाता 9 टाइम्स ऑफ R1 यानी कि जब हमने लेंथ को खींच करके स्ट्रेच करके 3 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 9 टाइम्स हो गया। व्हाट माय पॉइंट? ध्यान देना। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ले लेते हैं यहीं पर हम लोग। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 ध्यान देंगे। हमने कहा इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ एन टाइम्स कितना कर दिया गया बच्चों जनरल केस ले रहा हूं एन टाइम्स देन व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो ध्यान देना कैसे करेंगे। सिंस अभी बताया मैंने R1 अपान R2 इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। मान लेते हैं ओरिजिनल लेंथ क्या थी L थी नई लेंथ कितनी हो गई n टाइम्स ऑफ L का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर 1 का 1 n का स्क्वायर n स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। समझ आया बच्चों? मतलब अगर किसी वायर की लेंथ आप क्या करते हो n टाइम्स कर देते हो। अब n टाइम्स में बहुत बातें आ सकती हैं डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स ये भी हो सकता है कि n की वैल्यू हाफ ले लो मतलब लेंथ आधी कर दी गई n की वैल्यू 1/3 ले लो मतलब लेंथ 1/3 कर दी गई तो यहां से रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है? जैसे ये वाला केस मैं यहां से वेरीफाई करा देता हूं आपको। आपने देखा था n की वैल्यू कितनी करी गई थी 3 टाइम्स 3 रख दो यहां पर धन्य से देखो क्या आ गया 3 का स्क्वायर इनटू में r1 बोले तो r2 इक्वल टू का आ गया 9r1 पता नहीं चमका कि नहीं चमका भाई। क्लियर है? ये हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेता हूं बच्चे लोग एक और इलस्ट्रेशन नंबर 4 ध्यान देंगे। मैंने कह दिया इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड अप टू इट्स क्रॉस सेक्शन बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस
इसका नया रेजिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, फिर से वही काम करना है। कह रहा है कि इट्स क्रॉस सेक्शन बिकम्स हाफ, तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है। क्या बताया गया, आर वन अपान आर टू इक्वल टू ए टू अपान ए वन का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? कब तक उसे खींचा गया, जब तक उसका क्रॉस सेक्शन हाफ नहीं हो गया, यानी कि जो ए टू है वो हाफ ऑफ ए हो गया और ए वन क्या ले लिया, ए ले लिया। तो देखो ए से ए कट गया, वन बाई टू का स्क्वायर क्या आ गया, वन बाई फोर आ गया। ऐसा क्यों किया हमने, ए वन को लेट कर लिया ए है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू क्या हो गया बच्चों, हाफ ए हो गया। तो ये वैल्यू रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर टू क्या आ गया, फोर टाइम्स ऑफ आर वन हो गया। और आपका कंसेप्ट भी यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। मैंने बताया था जैसे जैसे एरिया घटेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और एरिया बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गॉट माई पॉइंट, समझ गए बच्चों? तो दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बच्चों अब कि ये रेजिस्टिविटी कौन सेम रहती है। ये बात तो मैंने बता ही रखा आप लोगों को, रो वन इक्वल टू रो टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट इफ मटेरियल रिमेन्स सेम। ध्यान रखना है कंडीशन, इफ मटेरियल रिमेन्स सेम तभी तक ये बात सही रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और किसी भी सर्किट में हम रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं, इस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। क्लियर है बच्चों? आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और वीडियो आपको पसंद आता रहे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, बताएं उनको, ताकि अब बोर्ड एग्जाम आने वाला है, सभी को पता है, सभी बच्चों का कल्याण हो सके, भला हो सके और सभी लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सके। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान देना है, रेगुलर आपको हर टॉपिक की वीडियोज आप तक पहुंचती रहेंगी। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगी सबसे पहले वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी और उसका लाभ आप सभी ले पाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो लेट्स सी ऑनवर्ड्स, इसके आगे हम बात करते हैं। अब ध्यान देना है सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बच्चों, तो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है ध्यान देना है। किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों? पहला तो ये है, इस तरह का सिंबल बना हुआ है, मतलब ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है ये फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे अगर यहां पर R की वैल्यू 2 कर दूं, K की वैल्यू 2 कर दूं, तो R कितना हो गया, 2 ओम। तो जिस भी सर्किट में लगाओगे हमेशा वो 2 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्लियर है? अगर हम 3 ले लें तो 3 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एंड सो ऑन। तो इसे हम कहते हैं फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है बच्चों इसको, हम फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस कह लेते हैं। क्लियर है? गॉट माय पॉइंट? दूसरा सिंबल ये होता है बच्चों, ऐसे करके यहाँ पे एक एरो मार्क कर दिया जाता है, इसका मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स नहीं होता है, और इसको कहा जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस ये दो तरह के सिंबल्स होते हैं, अपने सिलेबस में ज्यादातर ये वाला यूज किया जाएगा, फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस का रेजिस्टर यूज किया जाएगा। व्हाट माय पॉइंट? अब ध्यान देना बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं डिस्कस करता हूं। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये कोई वायर है ए बी, क्लियर है? ए बी एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं बच्चों 4 ओम है। कितना है, 4 ओम है। तो इफ इट इज कट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, इट इज कट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, देन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी आर डैश इक्वल टू आर बाई 4, बोले तो 4/4 यानी कि 1 ओम ईच। समझ में आया बच्चों? यानी कि यहां से कंसेप्ट जनरेट हुआ कि अगर कोई R ओम का रेजिस्टेंस वायर है
और उसके अगर एन इक्वल पार्ट्स किए जा रहे हैं, एन पार्ट्स किए जा रहे हैं, तो बच्चों ध्यान देना प्रत्येक पार्ट का जो रेजिस्टेंस हो जाता है ना, वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स आ जाता है। गॉट माई पॉइंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चे लोग? तो ये ध्यान देना है। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है, ओम होती है। क्लियर है बच्चों? ओम। समझ आया सभी को? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आप ध्यान देंगे यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पर एक टर्म आता है कंडक्टेंस, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो होता है बेटा वो वन अपॉन रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? वन अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जी इक्वल टू वन अपॉन आर हो जाता है। इसके यूनिट की बात करें बच्चा लोग, तो ओम इनवर्स हो जाता है, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जाता है, ओम इनवर्स लिख लेते हैं, या इसको रिवर्स कर देते हैं तो मो पढ़ा जाता है। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये आ जाता है कंडक्टेंस का यूनिट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कंडक्टिविटी। क्या आता है प्यारे बच्चों? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है वन अपॉन रेजिस्टिविटी। क्या होता है? वन अपॉन रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल स्मॉल सिग्मा बोलते हैं इसको हम लोग, और वन अपॉन रेजिस्टिविटी आपने पढ़ा था अभी रो होता है, तो सिग्मा इक्वल टू वन अपॉन रो आ जाता है। और इसकी यूनिट हो जाती है, क्योंकि इसकी यूनिट आपको पता है रो की, क्या बताया था? ओम मीटर बताया था, तो ओम मीटर का इनवर्स हो जाता है, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आ जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये आ जाती है इसकी यूनिट। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं, यानी कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, और रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है। इसी तरह से कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, और रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है। क्लियर है बच्चों? और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा वन आएगा। आप ध्यान दें, इसको भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, कभी आ सकता है ऑप्शनल तौर पर, जी आर इक्वल टू वन होता है, एंड अगर आप देखें तो सिग्मा रो इक्वल टू भी क्या होता है बच्चों? वन होता है। गॉट माई पॉइंट? तो ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? अब यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। किसकी बात करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ध्यान देंगे बच्चों। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ध्यान देंगे, किसी भी सर्किट में हम डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को मेन दो अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं, जिन्हें हम क्रमशः सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन टर्म करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। क्या बात करते हैं बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान देंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो आप तीन चार फ्रेंड हैं, आप खेलने निकलते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, आप क्या करते हैं? आप कहते हैं चलो भाई हम लोग अपनी चेन बनाते हैं, तो मेन चेन बनाते हैं। आपने कहा चार बंदे हैं, जब पहले बंदे का, पहले पर्सन का लेफ्ट हैंड दूसरे पर्सन के राइट हैंड से पकड़ लिया जाए, दूसरे का लेफ्ट हैंड तीसरे के राइट से पकड़ा दिया जाए, और तीसरे का राइट हैंड चौथे के राइट हैंड से पकड़ा दिया जाए, एंड सो ऑन, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर तीन रजिस्टर्स लेते हैं, आर वन आर टू और आर थ्री। इन तीनों को देखो, ये आर वन था बच्चों, आर वन का सेकेंड एंड आर टू के फर्स्ट एंड से जोड़ दिया, फिर आर टू का सेकेंड एंड आर थ्री के फर्स्ट एंड से जोड़ दिया, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्लियर है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके क्रॉस हमने एक सेल लगा दिया, विद की लगा दिया, सेल विद की लगाया बच्चों। तो ध्यान देना है, जो बड़ा टर्मिनल होता है इसे हम पॉजिटिव मानते हैं, और जो छोटा होता है दिस इज नोन एज नेगेटिव, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। ये क्या कहलाता है बच्चों? सेल कहलाता है, और ये जो है की कहलाती है। अभी देखो यहाँ पर ओपन की है, जैसे इस की को यहाँ पर ऑन कर देते हैं के को, तो करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड द सर्किल सर्किट। और सर्किट के अंदर अगर आप देखेंगे सेल के अंदर, तो सेल के अंदर क्या होता है बच्चों? करंट जो होती है वो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चलती है, और सेल के बाहर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल चलती है। क्लियर है? ध्यान देना है।
तो यहां से मान लो आई करंट चलना स्टार्ट करती है, वही करंट इधर आएगी, वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी। तो यहाँ से जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये ध्यान देना बच्चों, इन दिस कॉम्बिनेशन करंट रिमेंस सेम, ध्यान रहे करंट सेम रहता प्रत्येक रजिस्टर्स में, चार लगे होते तब भी सेम रहता, लेकिन पोटेंशियल जो होता वो सेम नहीं रहता है बच्चों, पोटेंशियल सेम नहीं रहता, सेम का मतलब कॉन्स्टेंट, सेम का मतलब कॉन्स्टेंट। मान लेते हैं तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया V1 है, R2 के क्रॉस V2 है, और R3 के क्रॉस क्या बच्चा लोग V3 है, और जो नेट पोटेंशियल है पूरे सर्किट के क्रॉस वो मान लेते हैं V। तो देखो V कैसे आता है, सिंस V इक्वल टू आता है बच्चों V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन, और ओम्स लॉ आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो V इक्वल टू होता आई आर, ठीक है। मान लेते हैं सबको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया कैपिटल आर ओम का, तो V की जगह हो जाएगा आई आर इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री प्लस एंड सो ऑन, दोनों तरफ से आई कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, तो आर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस एंड सो ऑन। सो दिस इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस आता है आर, दैट इज गिवन बाय द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टर्स। गॉट माय पॉइंट? तो ध्यान देना बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। गॉट माय पॉइंट? यहीं पर हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ध्यान देना बच्चों सेकेंड है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आइए बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस की फर्स्ट फर्स्ट एंड एक जगह जुड़े होंगे, सेकेंड सेकेंड एंड कॉमन वे में एक जगह जुड़े होंगे, तो इसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी हम तीन रजिस्टर्स लेते हैं, एक ये मान लिया, एक ये मान लिया, एक ये मान लिया, क्लियर है। ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और इनको हम किसी सेल विद की से जोड़ देते हैं लाइक दिस, क्लियर है बच्चों। जैसे इसको हम यहाँ से की को ऑन करेंगे फिर से करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जैसे करंट यहाँ आएगी बच्चों आप देखेंगे इसको तीन रास्ते नजर आएंगे जिसे हम तिराहा कह सकते हैं। आप भी कभी जब जाते होंगे अननोन प्लेस पर और सीधी सड़क जा रही है, एकदम से वहां पे तीन डायरेक्शन में सड़क बट जाए तो आप क्या करते हैं, थोड़ा भ्रमित होते हैं। अगर वहां पे कहीं पर कोई नोटिस बोर्ड वगैरह लगा तो आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप मुड़ जाएंगे उधर, लेकिन अगर मान लो नोटिस बोर्ड नहीं लगा है तो यू विल गेट कंफ्यूज। वैसे ये करंट भी है, करंट यहां से चली तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे तीन रास्ते नजर आए तो इट गेट्स कंफ्यूज, तो सोचते किसी को नाराज नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सब तरफ चल लेते हैं, तो R1 भी खुश, R2 भी खुश और R3 भी खुश। तो I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई और I3 यहाँ चली गई, फिर आकर के यहाँ पर मिल जाती है, तो फाइनल करंट I वापस आ जाती है। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में इन दिस कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेंस सेम, सभी के क्रॉस पोटेंशियल क्या रहता, सेम रहता है, बट करंट नॉट रिमेन सेम, करंट सेम नहीं रहती है। तो ध्यान देना है ये नेट करंट कैसे ऑप्ट की जाती है, इंडिविजुअल करंट्स को ऐड करके, यानी आई इक्वल टू कैसे आता है बच्चों आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस एंड सो ऑन। अब अभी मैंने बताया था ओम्स लॉ से क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, तो आई की जगह पर क्या आ जाएगा वी अपान आर, वी अपान आर इक्वल टू वी अपान आर वन प्लस वी अपान आर टू प्लस वी अपान आर थ्री प्लस डेट डेस। देखो बच्चों दोनों तरफ से वी कॉमन लेकर कैंसिल कर लेते हैं, तो वन अपान आर इक्वल टू आ जाता है वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री प्लस एंड सो ऑन। गॉट माय पॉइंट बच्चों? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। गॉट माय पॉइंट? तो बच्चों दो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ध्यान रखने हैं, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी ऑब्जर्व करेंगे आप तो सबसे पहले आप करंट का सोर्स पॉइंट ढूंढिए, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है आप देखिए, जिन जिन रेजिस्टेंसेस में करंट सेम होगी समझ लो वो रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, और जिनमें जिनमें करंट बढ़ रही होगी इट मींस उन रेजिस्टर्स में करंट बढ़ रही है, इसका मतलब वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है,
सीरीज में नेट रेजिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है। क्लियर है, गॉट माय पॉइंट? तो ये बच्चों रहा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब एक और टॉपिक इस लेक्चर में ही हम कवर करते हैं, दैट इज ओम्स लॉ, दैट इज टू वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, तो इसको भी समझ लेते हैं आज के इस लेक्चर में। फिर रेस्ट चीजें जो होंगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। क्लियर है बच्चों? फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, डोंट फॉरगेट टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन टूडे लाइफ। ओके बच्चों, आज के समय में या किसी भी समय में आप बात करें तो द टाइम इज द मोस्ट प्रेसियस थिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, यू हैव टू नो दिस। इस फैक्ट को आपको जानना चाहिए और जानना ही होगा, जो इस बात को समझेगा वही आगे चल करके कुछ नया कर पाएगा और लोगों को भी सिखा पाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये बात ध्यान रखें, टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर है? मतलब ये हुआ बच्चों कि टाइम सबसे पावरफुल है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे प्राइस वाला चीज है। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट ओम्स लॉ। बच्चों हम बात करने चल रहे हैं अब कि ओम्स लॉ क्या होता है। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाता है, इवन जेई नीट में भी आते हैं क्वेश्चंस। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान देंगे, लेट्स डिस्कस ओम्स लॉ। ध्यान देना बच्चों, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्लियर है? तो ओम ने क्या बताया? ओम ने कहा बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ फिजिकल स्टेट्स, इफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ अ कंडक्टर, जैसे लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, टेम्परेचर हो गया, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देन करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, इस तरह से मान लिया मैंने कोई एक कंडक्टर ले लिया, गॉट माई पॉइंट, लेट दिस बी अ कंडक्टर। इस तरह से मैंने एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ हम लेट करते हैं बच्चा लोग एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अगर इसके क्रॉस हम वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो 100% इसमें करंट फ्लो होगी, मान लेते हैं वो करंट आई फ्लो हो रही है। तो ओम ने ये बताया, ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर हम इस कंडक्टर की लेंथ में कोई बदलाव ना करें, इसकी एरिया क्रॉस सेक्शन में कोई बदलाव ना करें और इसकी टेम्परेचर को भी हम छेड़छाड़ ना करें, तो इन्होंने बताया कि इसमें जो करंट फ्लो होगी ना वो इस पोटेंशियल डिफरेंस वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ती जाएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस घटाते जाएंगे तो करंट भी घटती जाएगी। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, दैट इज आई प्रोपोर्शनल टू वी, तो रिवर्स कर दें अगर तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, आई है। आपको मैंने बताया था प्रोपोर्शनलिटी हटा करके इक्वालिटी के साथ एक कॉन्स्टेंट लाया जाता है, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट के नाम पर आर आता है, तो वी अपॉन आई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, आर आ गया। यानी कि इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का अक्रॉस एनी कंडक्टर, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, वो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। इस आर को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, और ये आर कुछ और नहीं बल्कि ये रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर भी होता है। क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। गॉट माई पॉइंट? ध्यान देना है। सो दिस इज ओम्स लॉ, यानी कि किसी भी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट्स को अगर बदला ना जाए तो उसमें फ्लो होने वाली करंट हमेशा उसके क्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज बच्चों वी प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर है? अब ध्यान देना है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बच्चों ध्यान देना है, एक सर्किट अरेंजमेंट बताता हूँ, ध्यान से समझेंगे। अपने को क्या लेना होता है बच्चों, सबसे पहले हम एक ले लेते हैं रजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, और मैंने बता रखा ऑलरेडी इसके इसी लेक्चर में इसके पहले में कि करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा सीरीज में लगाते हैं,
तो लेट दिस बी अ एमीटर प्लस माइनस, क्लियर है बच्चों। और ये है रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं वी, और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका भी ये प्लस है ये माइनस है, और यहाँ पर हम एक सेल विद की लगा लेते हैं, क्लियर है बच्चों। जब भी हम सर्किट कनेक्शन करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि बैटरी का पॉजिटिव ओवरऑल घूम करके एमीटर के पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए, और वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव घूम फिर करके ओवरऑल बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस के साथ ये पैरेलल में लगा होना चाहिए और एमीटर सीरीज में लगा होना चाहिए। व्हाट माय पॉइंट, समझ आ गया होगा। तो जैसे कि कोई को ऑन करेंगे इसमें करंट फ्लो हो जाएगी, और हम क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग पोटेंशियल के करेस्पॉन्डिंग अलग अलग करंट मेजर करते हैं और एक टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चे लोग, टेबल बना लेते हैं इस तरह से, क्लियर है। दिस इज टेबल, कम से कम 5-6 रीडिंग निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं V इन वोल्ट और I इन एम्पियर, क्लियर है बच्चों। और यहां पर हम 5-6 रीडिंग निकाल लेते हैं, क्लियर है। मान लिया यहाँ पर V1 पे करंट आ गया I1, V2 पे करंट आ गया I2, V3 पे करंट आ गया I3, V4 पे करंट आ गया I4, और V5 पे करंट आ गया I5 एंड सो ऑन, क्लियर है बच्चों। फिर हम क्या करते हैं, अब V और I के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्लियर है बच्चों। तो V को रखा Y एक्सिस पर, I को रखा X एक्सिस। जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्या मिलती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या देती हमें, आप देखते हैं कि जैसे जैसे V बढ़ता है वैसे वैसे I बढ़ता है, तो हमें इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाता है, क्लियर है बच्चों। और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वो हमें क्या दे देता है, रेजिस्टेंस दे देता है, क्या दे देता है, रेजिस्टेंस। और ध्यान देना है, ऐसे कंडक्टर्स या ऐसे मटेरियल्स जिनके लिए वीआई ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है उन्हें हम लोग ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं, और जिनके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, कर्व आता है, उन्हें हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। मीन्स यहाँ पर हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, ओमिक कौन से होते हैं, जिनके लिए वी वर्सेस आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन होता है, वो ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। और नॉन ओमिक कौन से होते हैं, ध्यान देना है, नॉन ओमिक जिनके लिए वी आई ग्राफ कर्व होता है नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या होते हैं, नॉन ओमिक होते हैं, क्लियर है बच्चों। अब यहां से दो बातें ध्यान देने, दो ग्राफ मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, मान लो ये वी है ये आई है, और इस ग्राफ में मैं आई को ऊपर ले रहा हूं वी को नीचे ले रहा हूं, क्लियर है बच्चों। इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ध्यान देना है इसका स्लोप निकालते हैं और वहां पर भी हम स्लोप निकालते हैं, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर हम स्लोप लेते हैं और यहाँ पर भी हम स्लोप लेते हैं, दो पॉइंट ले लिया हमने ए बी, इसे सी नॉमिनेट कर लिया, ए बी इसे हमने सी नॉमिनेट कर लिया। जब भी हम स्लोप निकालते हैं तो इन पॉइंट से दोनों एक्सिस पे नॉर्मल्स ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो बच्चों, ये हो गया I1, ये है I2, ये है V1, ये है V2। इसी तरह से यहाँ पर ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया V1, और ये क्या है V2। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा V है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये है बच्चों डेल्टा I। ऐसे यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा आई और इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा बी। स्लोप का मतलब ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, क्लियर है बच्चों। तो स्लोप जो होता है थीटा में लिख रहा हूँ, तो यहाँ से जो थीटा आता है वो आ जाता है बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी, यानी कि ये आ गया बच्चों डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो जो वी आई ग्राफ का स्लोप है थीटा है वो हमें क्या दे देता है बच्चों लोग, वो रेजिस्टेंस दे देता है, क्या दे देता है, रेजिस्टेंस। और इसका जो स्लोप होगा थीटा वो हमें क्या दे देगा, आई बी कर्व का स्लोप जो होगा वो हमें देगा, फार्मूला तो यही है बी सी अपान ए सी, लेकिन ये हमें दे देगा डेल्टा आई अपान डेल्टा वी, यानी कि ये 1/r देगा। और 1/r क्या बताया था अभी मैंने, कंडक्टेंस बताया था। व्हाट माय पॉइंट, इसकी यूनिट ओम हो जाएगी, इसकी यूनिट ओम इनवर्स हो जाएगी, क्लियर है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ, इस पर बेस्ड ग्राफ, वी आई ग्राफ भी आ सकता है, आई बी ग्राफ भी आ सकता है। वी आई ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका स्लोप निकाल देंगे,
इससे रेजिस्टेंस निकालना, तो स्लोप निकाल करके इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही कवर करता हूँ। वीडियो में अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ बच्चों, ध्यान रखेंगे इसका पीडीएफ इस वीडियो के नीचे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जाकर देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे ओपन करके आप उसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।